Hello children, in my previous lecture I had explained you lesson 3, that is A Hero, written by R.K. Narayan. Today I am explaining question answer of this chapter. Question number 1, how did Swami react to the news of the village lad's bravery? How was his reaction different from his father's reaction? Swami ne जो गांव के लड़के की बहादुरी की खबर अखबार में पढ़ी थी, न्यूज़ जो पढ़ी थी, उसका रिएक्शन कैसा था वो सुनकर, जब उसने सुनी, उसके फादर ने जब वो न्यूज़ पढ़ के उसे सुनाई, वो सुनकर उसका रिएक्शन कैसा था, और उसके फादर का रिएक्शन और स्वामी का रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे था? आंसर है, स्वामी डिड नॉट बिलीव दैट अ बॉय कुड फाइट विद अ टाइगर. ही फेल्ट दैट द विलेज लैड must have been very strong and grown up person. Swami ko vishwas nahi hua ki ek ladka ek tiger se lad sakta hai, tiger ka mukabla kar sakta hai. Usne socha ki jo gaon ka ladka hai wo zarur shaktishali hoga, bahut strong hoga, ya wo boy nahi hoga, wo ek grown up person hoga, koi bada insaan hoga, bada vyakti hoga. Question number 2, what was the challenge given to Swami by his father? How did he receive it? Swami ke father ne Swami ko kya challenge diya aur Swami ne is challenge ko kaise liya? Answer is, the father challenged Swami to sleep alone for a night in his office room. Swami did not receive the challenge boldly. He thought that his father was only joking. फादर ने स्वामी को चैलेंज दिया कि वो उसके ऑफिस रूम में रात को अकेले सोएगा, लेकिन स्वामी ने इस चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया. उसे क्या लगा, उसने क्या सोचा कि उसके जो फादर हैं वो केवल मजाक कर रहे हैं. ही थॉट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग्स इन द ऑफिस रूम एट नाइट. जब स्वामी को ऑफिस रूम में रात को सोना पड़ा तो वो क्या फील कर रहा था? आंसर इज, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी. स्वामी को ऐसा लग रहा था कि इंसानियत तो है ही नहीं, क्योंकि उसके फादर ने उसको अकेले सुनने के लिए बोल दिया. उसको लगा कि उसके फादर तो कठोर हो गए हैं और इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है. उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया. टाइगर की जो कहानी न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई थी, छपी थी, उसे वो कहानी अच्छी नहीं लगी. वो उस न्यूज़ से हेट करने लगा क्योंकि उसको अकेले सोना पड़ रहा था. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर? स्वामी ने उस डाकू को जो ऑफिस रूम में एंटर कर गया था उसे कैसे पकड़ा? एज अ बर्गलर केम नियरर, he hugged him tightly and dug his teeth hard into his ankle. The burglar cried with pain and fell down. In a moment, Swami's father, cook and servant came and caught the burglar. जैसे ही वो डाकू पास आया, स्वामी के पास आने लगा, तो स्वामी ने क्या किया, उसे टाइटली पकड़ लिया, जोर से उसे पकड़ लिया. जैसे हम किसी से जोर से गले मिलते हैं, तो ऐसे ही उसने उसको पकड़ लिया और अपने दांत उसके एंकल टखने पर गाड़ दिए, जोर से काटने लगा. और जो बर्गलर था, डाकू था, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा और नीचे गिर गया. और उसी पल स्वामी के फादर, कुक और सर्वेंट, जो नौकर थे, वो वहाँ आ गए और उन्होंने डाकू को पकड़ लिया. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 3. आप क्वेश्चन आंसर को नोटबुक पे लिख लीजिए और इन्हें साथ साथ लर्न जरूर कर लीजिए. अगर आप साथ साथ लर्न करेंगे तो आपको चैप्टर भी क्लियर रहेगा और आपको बाद में परेशानी नहीं होगी. अगले वीडियो लेक्चर तक यू ऑल टेक केयर.